क्या फिनाले से पहले पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा सुंबुल और शालीन के बीच, क्योंकि आप सबको पता ही है कि सुंबुल को बड़ा धोखा मिल चुका है मंडली की तरफ से। ऐसे में अब क्या सुंबुल जो है वो शालीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, क्योंकि शालीन जो है वो यही चाहते हैं कि सुंबुल उनकी दोस्त बन जाए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि सुंबुल जो है उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उन्होंने टीला की वजह से सुंबुल से अपनी बहुत ही अच्छी दोस्ती खो दी है। ऐसे में अब जबकि बिग बॉस का फिनाले आने वाला है, तो अब शालीन चाहते हैं कि सुंबुल के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाए और बाहर निकलने के बाद सुंबुल और शालीन की अच्छी दोस्ती रहे। ऐसे में हम आपको बता दें, यहाँ पर लाइव फीड में देखा गया कि शालीन जो है वो सुंबुल से बात करते नज़र आ रहे हैं और वो कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी दोस्ती के लिए वो उनसे कई बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और सच में सुंबुल से शालीन कई बार बात करने की कोशिश करते नज़र आ रहे थे, लेकिन सुंबुल लगातार अवॉइड करती नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं से शालीन जो है वो उन्हें धोखा देंगे और यही लग रहा था उन्हें कि शालीन पर विश्वास जो है करना उनके लिए एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होगी। लेकिन यहाँ पर सुंबुल को तो किसी पर भी भरोसा करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से पूरी मंडली में सुंबुल को बायकॉट कर दिया है, शिव ने सुंबुल के साथ इस तरीके की चीज़ें की हैं, ऐसे में यहाँ पर शालीन को इस बात का तो अंदाज़ा हो ही चुका है कि सुंबुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब जो है सुंबुल का सहारा बनने के लिए यहाँ पर वो उनसे बात करते नज़र आ रहे हैं, उनसे सॉरी बोलते नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी दोस्ती के लिए वो उनसे कई बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि सुंबुल उनकी अच्छी दोस्त बनी रहे। हालाँकि सुंबुल इस पर कोई रिएक्शन ज़्यादा देती नज़र नहीं आती, क्योंकि सुंबुल को एक्चुअली अभी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में वो बिल्कुल शांत रहती हैं और उनकी बातों को सुनती हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुंबुल ने जो है वो शालीन से बात कह भी दी थी। जब सुंबुल ने नॉमिनेट किया था शालीन को, उसी वक्त सारे ग्लर्जेस जितने भी थे वो सब कुछ ख़त्म कर दिए थे सुंबुल ने, और उन्होंने कह दिया था कि अब मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ नॉर्मल होगा, अब मेरे अंदर कोई भी तुम्हें लेकर चीज़ें नहीं होंगी। तो वहीं पर शालीन और सुंबुल के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शालीन जो है वो सुंबुल से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली उन्होंने कह दिया है कि वो उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं। टीना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये दोस्ती जो है वो टूटे, और वो यही चाहते हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद एक नाम हो सुंबुल और शालीन का, जो कि बेस्ट फ्रेंड की तरह हो। तो यहाँ पर जो सुंबुल है वो भी इस बात को बस सुन रही है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें सच बात तो यही है कि किसी पर भरोसा नहीं रहा, मंडली ने उन्हें बायकॉट किया है, ये बात जो है वो सुंबुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हालांकि अब जो है वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को मानकर तैयार हो चुकी हैं कि अब उन्हें अकेले ही खेलना है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिनाले से पहले पहले सुंबुल और शालीन की दोस्ती हो जाएगी और क्या शालीन जो है वो सुंबुल के गेम को बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको पता ही है कि शालीन के साथ भी क्या ही हुआ है, शालीन भी काफ़ी हैरान परेशानी नज़र आए, डिप्रेशन में चले गए थे वो, और अब फाइनली उनका गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो फाइनलिस्ट बन चुके हैं। अब इसमें देखना होगा कि क्या सुंबुल से उनकी दोस्ती जो है वो फिर से हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिर भी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।